मैं आज दो दिग्गज कलाकार के गाने के बारे में बात करूंगा। पहले ये गाना सुनिए। बबुआ के खुश करके जेबे ने, भैया बता दूं कि खेसारी लाल यादव जब पवन सिंह का गाना चुरा के पहली बार गा दिया था, मगर उस गाना ब्लॉक बस्टर हिट गया था। लगभग बात करेंगे तो ये स्क्रीन पर देखिए 100 मिलियन से ज्यादा व्यू इस गाने को मिला है। बात करेंगे पवन भैया गाना कहते, पवन भैया गाना सुनिए। तो बबुआ के खुश करके जय बने, इस गाने के बारे में बात करेंगे तो इस गाने को व्यू सीधे 82 लाख, मतलब 100 मिलियन भी नहीं गया, 82 मिलियन है साइट, 100 मिलियन में 8 मिलियन। वो ऐसे फॉलोअप गाना सुनाऊंगा जो इस साल का सावन का सबसे फॉलोअप गाना है। बात करते हैं खेसारी लाल यादव जी का एक गाना होगा, एक गाना होगा पावर स्टार पवन सिंह का। तो चलिए भैया एक गाना सुनाता हूँ। गर्दा हो जाएगी गाने पर। अगर व्यू की बात करेंगे तो सबसे कम सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार जो कहे जाने वाला को सबसे कम व्यू देख सकते हैं स्क्रीन पर, 14 लाख सिर्फ व्यू है, 1.4 लाख, मतलब 14 लाख व्यू इस पर गाना पर मिला, मगर खेसारी लाल यादव जी का कितना मिला होगा। गाना सुनो। लोटा वाला जो गाना है इस पे तो काफी कम व्यू है, 9 लाख में भी 2-3 हजार कम व्यू देख रहा है, देख रहे स्क्रीन पर 9 लाख भी नहीं कंप्लीट हुआ है गाने पर। तो भैया आप लोग जो नीचे कमेंट में बताइएगा ऐसा फॉलोअप गाना सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार क्यों निकालते हैं। धनी हो सब धन तोहरे न बाटे, सब धन तोहरे ने बाटे। भैया ये गाने जो आप सुने हैं, गाने का अगर व्यू की बात करेंगे तो 200 मिलियन क्रॉस हो चुका है, इसलिए आपको सुनाया ये गाना जो धनी हो सब धन तोहरे ने बाटे, मगर खेसारी लाल यादव जी का इस साल का सबसे बड़ा आम वाला गाना सुनाते हैं। ये गाने जो है खेसारी लाल यादव जी के इन व्यू की बात करेंगे तो 40 मिलियन पे अटक चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा। अगर व्यू की बात करेंगे तो 40 मिलियन होगा, इससे पहले इससे कम है 40 मिलियन से, मगर पवन सिंह का इस साल का महारिकॉर्ड हो चुका है, धनी हो सब धन तोहरे ने बाटे। दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, खेसारी लाल यादव जी जब पावर स्टार पवन सिंह के गाने पर गाने में काम किए हुए थे उस टाइम का ये गाना है, मगर चलिए भैया खेसारी लाल यादव जी सेम टू सेम ऐसा ही गाना गाए हुए हैं, ये सुनिए। आपने सुना खेसारी लाल यादव जी का दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, मगर आप लोगों का ये दोनों गाने में से किनका गाना आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा है नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा।